हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल बैंकिंग करियर। आई होप यू गाइस आर गुड एंड डूइंग वेल। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बोला था कि अगर 50 लाइक अगर होते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट, मैंने जहाँ पे एंड किया था मैंने यहाँ पे एंड किया था, यहाँ से आगे नेक्स्ट आपको आगे का आज बताता हूँ। ये है RRB PO 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये RRB PO का। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, देखते हैं आगे कि क्या है। तो चलिए, क्या क्वेश्चन है कि विच वॉर इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन। तो क्या है, कौन सा बार कैटेगराइज्ड ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है जो जैसे ही आपका टाइटल बार है उसके नीचे रहता है। तो ये है मेन्यू बार, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप उसके नीचे ही देखोगे कि मेन्यू बार है जो कि कैटेगराइज करेगा, हर एक ऑप्शन को कैटेगराइज करके देगा आपको। टूल बार का अलग काम होता है सारा, टूल स्टेटस बार ऊपर में लगा हुआ होता है, स्क्रॉल बैट साइड में होता है, तो ये सब अलग अलग है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर क्या है, पेज ओरिएंटेशन होता है। आप नहीं कहते हो पोर्ट्रेट में लगाओ, चलो भाई नहीं नहीं हमको तो भाई लैंडस्केप में देखना, पूरा का पूरा पोर्ट्रेट से हमको मज़ा नहीं आता, पोर्ट्रेट में देखने में हमको तो लैंडस्केप चाहिए। तो ये क्या है, ये है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए अगला क्या है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू द अनऑथराइजेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर, क्या है उसको रेफर करते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो अनऑथराइज, पता है आप सब नेट पे ऐसे करते हो कि अरे यार इसका की कहीं से मिल जाता तो मैं इसको एक्सेस कर लेता, जो पेड सॉफ्टवेयर रहता है तो आप उसका कहते हो ना कि इसका की मिल जाता तो मैं एक्सेस कर लेता हूँ, क्या होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी है, पायरेसी मतलब चुराना लूटना जो कह लो आप उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ इंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स, क्या काम करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना सारा इंस्ट्रक्शन देखता है, सब कुछ देखता है, हैंडल करता है, मेजोरिटी ऑफ द टास्क क्या, कौन काम परफॉर्म करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, विंडोज जो आपका हुआ वो क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी क्या हो गया, ये एडिशन करते हो, कैलकुलेटर यूज करते हो, ये सब करते हो, वो सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए आगे क्या है कि दी की शॉर्टकट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, द कीवर्ड शॉर्टकट टू लॉन्च टास्क मैनेजर, क्या होता है टास्क मैनेजर, आपको पता है कि हमेशा कंप्यूटर बीच में फंस जाता है तो क्या करते हो, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट का करते हो कि नहीं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट करते हो कि नहीं, तो CTRL प्लस, देखो वही है ये ऑप्शन सी, अल्ट प्लस CTRL प्लस डिलीट, ये ऑप्शन सेम करते हो यूज आप जब कहीं भी अगर आप फंस जाते हो तो आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो कि अरे यार टास्क मैनेजर होंगे, टास्क एंड कर देंगे जो चल रहा है तो पेज बंद हो जाएगा, तो सेम वही पूछ रहा है यहाँ पे कि कीवर्ड शॉर्टकट क्या है लॉन्च क्या करने के लिए, टास्क मैनेजर को लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, डिफरेंट होस्ट के बीच में क्या करता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, SMTP प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी अलग अलग होस्ट पे। अगला ये क्या है, इसमें दिया हुआ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको तो पता ही होगा FTP UDP HT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, HTTP किस पे काम करता है, FTP पे काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम करता है। हाँ चलिए ठीक है, टेलनेट क्या होता है, टेनल नेटवर्क ये होता है रिमोटली एक्सेस करने के लिए होता है, रिमोटली क्लाइंट सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए होता है टेलनेट। SNMP क्या होता है, SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है SNMP। तो चलिए हमारा इसका आंसर क्या था, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये था हमारा आंसर ईमेल वाले का। चलिए ठीक है, इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, लैन क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कहाँ गया ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो गया आपका लैन। लैन कहीं भी आप जाते हो भाई, लैन क्या होता है, लैन जो आप नेट यूज करते हो क्या है, लैन मैन पैन कैन, ये मैं लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ तो ये आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, मैक्रो, चलिए आते हैं उस पर देखते हैं क्या है। मैक्रो जो माइक्रो दो तरह का होता है, मैक्रो स्टोर्ड इन जनरल ग्लोबल मैक्रो सीट कैन बी यूज्ड,
क्या होता है, इन एनी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी डॉक्यूमेंट में। अगर यहाँ पे लोकल रहता तो दिक्कत हो जाता, ये क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल है मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये है अगला स्लाइड, क्या है इसमें क्वेश्चन, कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल। ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हमें पता है, ये तो ऑलरेडी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा चुके हैं ना, इसका सेम चीज़ रिपीट हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अच्छा ये तो हमें पता है, बैक स्पेस, ऑप्शन ई, बैक स्पेस। आप कुछ भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, आपका कर्सर ब्लिंक करते रहता है, तो आपको एक जो वर्ड मिटाना रहता है तो आप क्या करते हो, एक जो ये बैक स्पेस दबाते हो, तो एक वर्ड मिटर जाता है। तो वही ये क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए एक कौन सा की यूज करते हैं हम इसमें, तो बैक स्पेस यूज करते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, उसके आगे मैं ये इसी के ऊपर कर दिया मैंने। हाँ, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या होता है, वेब पेजेज, बहुत सारा वेब पेज को मिला करके एक वेबसाइट बनता है। इससे ई लिंक होता है, इससे ये लिंक होता है, इससे ये लिंक होता है, तो इसमें वही है पूछ रहा है क्या, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आप क्या लिखोगे, वेब पेज लिखोगे, वेब पेज होगा इसका ऑप्शन। फिर अगला क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स, क्या काम करता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप जैसे ऑन करते हो कंप्यूटर, तो मान लो आपके पास डेल का है, तो डेल लिख करके आता है उसके, जैसे ऑन करते हो, तो क्या है, पोस्ट ही तो काम करता है, टेस्ट करता है कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनबिल्ट रहता है वो POST, अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो आपका ओपन नहीं होगा कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, कि विच द, नहीं नहीं नहीं, द टोपोलॉजी विथ हाइएस्ट रिलायबिलिटी इज, सबसे ज़्यादा रिलायबल है आपका मेस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। मेस में क्या होता है कि देखो ये है, ये है, ये है, कनेक्टेड है, चार नोड हैं, ठीक है, ये इससे करेगा, ये इससे रहेगा कनेक्टेड, ये इससे रहेगा, ये इससे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक अगर मान लो, अगर ये फेल हो गया, मान लो मैं ये रेड से दिखा रहा हूँ, अगर ये फेल हो गया तो ये काम करेगा ना, अगर ये भी फेल हो गया तो भी ये काम करेगा ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिलायबल है। बाकी बस वस में तो एक ही रहता है, एक से एक कनेक्टेड है तो दिक्कत हो जाती है, रिंग में भी आपको उस दिन बताया था कि ऐसे रहता है, दो ही से कनेक्टेड रहता है, स्टार में भी ऐसे ही होता है। तो चलिए ठीक है, ये सब हो गया, सबसे जो रिलायबल है वो है मेस, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हाँ ये कितना इजी इजी क्वेश्चन है, ये आपको उस टाइम लगेगा। अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क डेट एक्सेस रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर, इज कॉल्ड अब सर्वर कहते हो आप, जो क्लाइंट हो आप क्लाइंट हो, मान लो आप क्लाइंट हो, हाँ, तो आप जो एक्सेस करते हो वो आपको सर्वर से ही तो लाके देता है, आप जो भी फीड करते हो, आप तो लिख देते हो कुछ भी, मान लो व्हाट इज कंप्यूटर लिख दोगे, तो वो कहाँ से आपको फीड करके देगा, वो सर्वर से ही आपको लाके देगा ना, तो वही ये पूछ रहा है कि क्या है, ये सर्वर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTTPS रहता तो, अगर मान लो HTTPS रहता तो आप क्या करते, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी हो जाता है, S आ गया तो, S मतलब कहीं HTTPS अगर लिखे हुए देखो ना आप साइड में, कोई भी वेब पेज जैसे ही आप URL यहाँ पे लिखोगे, इसके आगे लिखोगे URL www. ये लिखते हो तो S है ना, तो समझो कि मोर सिक्योर है, HTTP जो होता है लेस सिक्योर होता है, वो विथ सिक्योरिटी हो जाता है S के कारण, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर था, ऑप्शन ए। चलिए मैं इसको ऑप्शन ए पे टिक मार देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक के लिए तो भाई F7 दाबो, सीधे सारा आपको बता देगा कहाँ कहाँ गलत है, आप क्या क्या गलत लिखो स्पेलिंग, वो आपको बता देगा, आप उसको चेक कर लो, उसको रीचेक कर लो, उसको सुधार लो आप सब कुछ। चलिए ठीक है, फिर क्या है अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज रिसाइड इन मेन मेमोरी लोडर। देखो लिंकर का काम क्या करता है, लिंक करता है, लेकिन लोडर ही हमेशा मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहता है, मेन मेमोरी में, और लोड करता है। आप पेजिंग आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो पेजिंग पढ़ा होगा आपने, तो वो उसके जब वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोडर का क्या काम होता है। तो लोडर हमेशा मेन मेमोरी में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, रिसाइड इन मेन मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, आपका फेसबुक कहीं वेब ब्राउजर है, नहीं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिर्फ फेसबुक, तो फेसबुक इसका आंसर होगा। क्रोम तो आप करते हो, मोजैक भी होता है, नेटस्केप नेविगेशन भी होता है यूज। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग. क्या होता है, आप कहते हो ना कंप्यूटर बूटिंग हो रहा है, बूट हो रहा है, सारा इंस्ट्रक्शन चेक कर रहा है आपका, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सब कुछ चेक करेगा बूटिंग के टाइम. तो ये जब क्या कह रहा है क्वेश्चन, टर्न्ड ऑन जब चालू होता है उस टाइम, टर्न्ड ऑन के टाइम, हाँ तो बूटिंग होता है ये. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, SMPS स्टैंड फॉर, SMPS क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. ये देखता है कि जब आपका कंप्यूटर चालू हुआ तो सही से आपका जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है जो कन्वर्ट होकर के जो जा रहा है कंप्यूटर में, तो सही से काम कर रहा है ना. तो SMPS देखता है, SMPS का काम होता है वो देखना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई को चेक करता है. ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है, EFT, अच्छा EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज द एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. आप पैसा आज बैठे हो किसी के अकाउंट में ही भेजते हो ना, सीधे अपने अकाउंट से कहीं एक प्लेस से दूसरा प्लेस तो नहीं ना जाता है, कोई बैंक से बैंक नहीं जाता है. आप देखो, आप PNB से PNB भेजते हो, नहीं ना SBI से SBI, नहीं, आप अकाउंट, एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर रहेगा, अनदर पर्सन हैज़ एन अनदर स्पेसिफिक अकाउंट नंबर, आप इससे मनी उसको सेंड करोगे. तो चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं नीचे क्या है कह रहा है. उसके नीचे प्रोग्राम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू एड्रेस स्पेशल प्रो पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे डायरेक्टली लिख ही दिया, ये तो आंसर लिखा हुआ था, ये बस देखने की जरूरत थी कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन, जैसे हमको एडिटिंग के लिए एक अलग से, डाउनलोडिंग के लिए अलग से, तो क्या होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बस परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है, इसके आगे भी है क्या स्लाइड, नहीं नहीं ये तो रीजनिंग का है. चलिए हाँ ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज रिसाइड इन मेन मेमोरी. ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है लोडर, ये भी हो चुका है फेसबुक, और क्या है इसमें कंप्यूटर टर्न ऑन बूटिंग, ये भी हो चुका है, रिपीट हो गया क्या पूरा, नहीं 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 आगे है यहाँ पे. हाँ उसके बाद क्या कह रहा है, AN, ठीक है, अलाउ शेयरिंग ऑफ ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. क्या करता है हब, हब मतलब कि कंप्यूटर हो गया, एडेप्टर अलग काम करता है, राउटर, राउटर इज करेक्ट आंसर, राउटर, यहाँ पे मैं इसको येलो से कर देता हूँ, राउटर. राउटर क्या करता है कि राउट करता है, आपको रूट बताएगा कि ब्रॉडबैंड का इंटरनेट कनेक्शन जो शेयर करना है ना कहाँ कहाँ जाना है, तो ये राउटर का काम होता है, राउटर. स्विच क्या है, ऑन ऑफ का काम करता है, प्लग तो अलग चीज़ है लगाने का है. चलिए ठीक है आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रोग्राम डिजाइन स्पेशली टू एड्रेस, अरे ये तो हो चुका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हो चुका है. अगला देखता हूँ मैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस. अच्छा अरे आप अपना कंप्यूटर चालू करते हो तो सबसे कॉमन टूल आप क्या यूज करते हो, आप बताओ कि किसी को आपका कंप्यूटर नहीं यूज करने दें, पासवर्ड बस, और क्या आंसर इसके सामने है, यूजर लॉग इन करने से रोकते हो, नहीं ना, आप कंप्यूटर की लगाते हो, नहीं ना, एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगते हो, नहीं ना, पासवर्ड आप लगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिंग कंट्रोल 9 इन एक्सेल क्या काम करता है, कि कंट्रोल 9 क्या कहता है, हाइड कर देता है एक्सेल. आप अगर कभी यूज आपने किया होगा एक्सेल, तो कंट्रोल 9 आपको अगर एक रो अगर है ना, हर रो अलग अलग रो होती है उसमें एक्सेल पे, तो आपको अगर एक रो पूरी की पूरी रो ये हाइड करनी है ना, हाइड करनी है ना, तो आप ये प्रेस कर दो कंट्रोल प्लस 9 एक साथ प्रेस कर दो, तो एक रो हाइड हो जाएगी, हाइड द करेंट रो. ये ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो गया. चलिए इसके आगे देखते हैं, हाँ इसके आगे तो रीजनिंग है, ये तो है ही नहीं अपना, इतना कंप्यूटर एंड हो गया. ये था, ये SBI लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ये है RRBPO 2019 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. सोचिए ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, आप आराम से करके लेके जाते, आप तो 20 मार्क्स का होता है, आप 18 तो आराम से स्कोर कर सकते हो, और ये आपको लीड लेके जाएगा, बाकी लोग से आप प्लस में रहोगे ड्यू टू दिस, आप इसके कारण प्लस में रहोगे. और आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि मेरा एक चैनल है बैंकिंग स्टडी करके, सर से बोल के मैंने कहा था कि आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, पर आप में से सिर्फ एक दो बच्चों ने ही सिर्फ उसको ज्वाइन किया है और किसी ने नहीं ज्वाइन किया है. तो अगर आपको देखना है तो आप मेंस में आ रहे हो, मेंस में आपको रीजनिंग मिलेगा, वहाँ आपको मैं बोल रहा हूँ कि उस चैनल पे आप एक बार जा के देखो, एक बार कंटेंट देखो, आप क्वेश्चन देखो, न्यू पैटर्न आपको, सबसे लेटेस्ट पैटर्न आपको मिलेगा. अभी वहाँ टॉपिक बहुत सारा हो रखा है, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका मिनी मॉक भी उस पे चलता है, साथ में अभी डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आप जाके एक बार तो देखो तो सही क्या है वहाँ क्या नहीं. तो चलिए थैंक यू सो मच,
अगर ये 75 लाइक तक अगर जाता है, 75 लाइक प्लस अगर जाता है, तो मैं लेकर आऊँगा इसका क्लर्क का जो पेपर है, क्लर्क का जो था RRB, मैं लिख देता हूँ कैपिटल में RRB क्लर्क 2019, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू सो मच।